हर हर महादेव। देखिए नर्मदपुरम होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हर्षित पांडे जी का प्रश्न है। देखिए कैसा विचित्र प्रश्न है। वे कह रहे हैं कि कृपया मेरी पंचदेव उपासना संबंधी शंका का समाधान करें कि श्री गणेश जी और दुर्गा जी पंचदेव उपासना में कैसे आए, जबकि गणेश जी तो भगवान शिव के पुत्र हैं और पार्वती जी उनकी शक्ति है, कहना ये चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है गणेश जी उसमें कैसे आ गए, दुर्गा जी कैसे आ गए, भगवान शंकर तो ठीक है। तो देखिए पांडे जी, हमारे यहाँ ये जो पंचदेव हैं, इन पंचदेवों के रहस्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पाती जी महाराज जी ने लिखे हुए हैं। गणपति रहस्य, शिव रहस्य, विष्णु रहस्य, सूर्य रहस्य, भगवती रहस्य, भगवती तत्व आदि। तो इनका मतलब वैष्णव तत्व, तो ये क्या है, इन्हें देख करके ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कौन किसका पुत्र है और कौन क्या है। देखिए भगवान शंकर जी के विवाह में, और शंकर जी के तो बहुत विवाह हुए हैं, भगवान शिव और पार्वती के ही विवाह में, जो कि गणपति को पार्वती नंदन कहा जाता है, तो शिव और पार्वती जी के विवाह में ही और गणेश जी की पूजा हुई है। अब आप कहेंगे गणेश जी कहां से आए। देखिए बहुत सरल और सुगम तरीके से समाधान करते हुए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड के 100वें दोहे में लिखा हुआ है कि मुनि अनुशासन गणपति हैं, पूजे उ शंभ भगवान, और को सुन संशय करे जन सुर अनाद जिय जान। जब मुनियों ने, उपरोहितों ने, ब्राह्मण जो नियुक्त थे आचार्य पद पर भगवान शंकर का पार्वती जी का विवाह करा रहे थे, तो उनके कहने पर भगवान शंकर ने और पार्वती जी ने गणेश जी की जो है पूजा की, पूजे उ शंभु भगवान। तो वो गणेश जी हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कोई संशय मत करना, को सुनि संशय कराए जने, क्यों सुर अनाद जी जान। सुर तो अनाद है, देवता अनाद है, ये जो सृष्टि की प्रक्रिया है ये अनंतानंत कल्पों से चल रही है, न जाने कब तक चलेगी। तो ये जो अगर आप गणपति अथर्व शीर्ष पढ़ेंगे तो उसमें कहा हुआ है कि गणेश जी से, गणेश जी ही ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, विष्णु को उत्पन्न करते हैं, शिव को प्रकट करते हैं, संसार को प्रकट करते हैं। और देव्य अथर्व शीर्ष पढ़ेंगे तो यही देवी में लिखा हुआ है कि देवी के अलावा कुछ भी नहीं है, देवी ने ही सबको प्रकट किया है। वेद मंत्रों को यहां सार्वजनिक रूप से बहुत कम बोलते हैं, जो अधिकारी वहां देख सकते हैं। सभी देवताओं के अथर्व शीर्ष हैं, शिव का, सूर्य का, विष्णु अथर्व शीर्ष, पंचाथर्व शीर्ष, पांचों देवताओं के अथर्व शीर्ष हैं। और उन पांचों में ही मूल कारण एक न एक को बताया गया है कि आप ही सब कुछ हैं। और यूं समझिए और सरल भाषा में कि शिव महापुराण पढ़ेंगे आप तो शिव महापुराण में बतलाया गया है कि भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया और वे आपस में लड़ने लगे कि भाई हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो भगवान शंकर ने उनकी इस तरीके की जो जिज्ञासा कर रहे थे, कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसका निवारण करने के लिए कि लिंग प्रकट कर दिया। तो दोनों लोग उनका जो है अंत पाने के लिए ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर के ऊपर गए और भगवान विष्णु बराह रूप धारण करके नीचे गए, लेकिन किसी को कोई अंत नहीं मिला।
ब्रह्मा ने एक बीच में कोई केतकी का पुष्प पाया और उसको लेकर के आ गए और कहने लगे कि शिव जी के लिंग के ऊपर रखा हुआ था, मैं केतकी का पुष्प ले आया हूं और मैं जीत गया। भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो अंत नहीं मिला नीचे तक। तो भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा कि तुम जो झूठ बोलते हो इसलिए तुम छोटे हो, और अपने नाखून से नखाग्र से ब्रह्मा जी के एक मध्य सिर को काट दिया। पहले ब्रह्मा जी के पांच सिर हुआ करते थे, तो अब जो है चार ही। तो ये भगवान शंकर से ही ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। श्रीमद् भागवत में आप सुनेंगे तो भगवान नारायण की नाभि से कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई है। और यदि आप कहीं देवी भागवत या देवी पुराण शक्ति पुराण पढ़ेंगे तो वहां भगवती ने इन तीनों को प्रकट किया है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, ये तीनों भगवती के स्वरूप प्रकट हुए और इन्होंने तीनों ने ही दो दो पुत्र उत्पन्न किए, यानी एक कन्या एक पुत्र यवल। ब्रह्मा है ना, विष्णु महेश और इनकी शक्ति, फिर उनके विवाह किए परस्पर अलग अलग करके। तो ये भगवती ही सब कुछ है। इसी प्रकार गणपति पुराण, गणेश पुराण में या सूर्य पुराण में या जो है वैष्णव पुराणों में देखेंगे तो वे देवता ही मुख्य हैं। तो इनका तात्पर्य क्या है? तो धर्म सम्राट कहते हैं कि इन सब का तात्पर्य एक ही है कि ब्रह्म पुराण में है ना, विष्णु पुराण में या जो है शिव महापुराण में, तो शिव पुराण के जो महाशिव हैं वे ही गणपति पुराण में है ना, गणपत्य अथर्व शीर्ष में उन्हीं का नाम गणपति है। वो तत्व एक ही है मूल में, और वही एक तत्व इन पांच रूपों में प्रकट है अपने अपने भक्तों को आह्लादित करने के लिए, क्योंकि मैं जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, विभिन्न प्रकार की रुचियां हैं। रुचि नाम वही चित्रा द्रिज कुटिल नाना पथ जो साम, इसीलिए वो अनन्य प्रकार के पथ मत मतांतरों को भगवान ने ही प्रकट किया है। तो वे जैसी जैसी जीव की जैसी जैसी रुचि है वैसे वैसे उनका मन मोहने के लिए, ताकि उनका चित्त भगवान में ही सदा लगा रहे। तो इनको कोई कहते हैं कि वे बड़े हैं वो छोटे हैं, वो बड़े हैं वो छोटे हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। को बड़ छोट कहत अपराध, कौन बड़ा है कौन छोटा ये कहने में अपराध है। आपकी जिसमें निष्ठा है आस्था है उसको आप अपने मध्य में रख करके और शेष चारों का भी पूजन करें, क्योंकि वे उसी देवता के रूप है। अगर कोई कहे कि नहीं वे ईश्वर नहीं है, अरे भैया हमारे यहां तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सबको ही ब्रह्ममय माना गया, ये श्रुति ही तो है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो ही अंत में बचते हैं, मध्य में भी वे ही हैं और आदि में भी वे ही हैं। यहां तक संसार में दिखने वाला एक एक कण तदरूप ही है हमारे, चाहे प्रेम की दृष्टि से देख लो, भक्ति की दृष्टि से देख लो या ज्ञान की दृष्टि से देख लो। गोपियां भी तो कहते हैं जित देखूं तित श्याम मई है, जिधर देखे तो वही है। भक्ति की भक्त की भी दृष्टि यही है, सूरदास जी तुलसीदास जी की भी भक्ति प्रवृत्ति और दृष्टि यही है, सिया राम मैं सब जग जानी, वे ही है चारों तरफ, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। और ज्ञानी तो मानते ही हैं वासुदेवा सर्वम, जो भी कुछ है गीता जी में भी यही कहा गया, जो कुछ है वासुदेवा सर्वम, जो ऐसा देख पाते भी महात्मा दुर्लभ है, ये तो कहा है, क्योंकि हमको तो ये सब ईंट पत्थर ये यहाँ का लौकिक भौतिक चीज ही नजर आती है। तो इस दृष्टि से ये माने कि हमारे इष्ट देव ही संसार के कण कण में व्याप्त हैं और वे ही उन्हीं के मुख्य रूप, ये चार और स्वरूप हैं, एक रूप में तो वे हैं ही, तो इनकी तो लीला है कि वे कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान वसुदेव जी के पुत्र हो गए, भगवान जो है कश्यप अदिति के यहाँ प्रकट हो गए वामन रूप में, तो ऐसा नहीं है कि वो उनके माता पिता हो गए। भगवान ब्रह्मा जी से बड़ा भगवान प्रकट हो गए तो अब ब्रह्मा जी पिता, तो कहीं वो उनके पिता है कभी वो उनके पिता है, वो एक ही तत्व है,
कभी कोई कहीं से कहीं कहीं से प्रकट हो जाते हैं, तो प्रकट को देख करके ये नहीं समझना चाहिए कि अब ये छोटे हो गए ये बड़े हो गए, है ना। अब देखो शिव महापुराण आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण के कोई पुत्र नहीं हो रहा था इतने विवाह होने के बाद भी। तब भगवान शंकर की आराधना की तो बहुपुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया और उनके हुए भी, इतने पुत्र हो गए कि अपने पुत्रों से परेशान होने लगे। तो ये है, इनको देख करके ऐसा कोई आपस में भेद न मानिएगा। और भागवत में देखेंगे तो भगवान शंकर को बाणासुर के प्रसंग में युद्ध में परास्त कर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये उनकी लीला है, ये भगवान की विचित्र लीला है, और इनका निराकरण या समाधान यूं ही होता है कि वे एक ही तत्व हैं और वे विभिन्न रूपों में प्रकट हैं। मुख्य रूप से ये पंचदेवों के रूप में सृष्टि का है ना जो है पालन और व्यवस्था बनाने के लिए उनके विशेष रूप से ये पांच स्वरूप हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। हर हर महादेव।